नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। अरुण जेटली ने कहा टैक्स की दरें घटा सकती है सरकार। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार कर की दरों में कमी कर राजस्व बढ़ाने की दिशा में प्रयासरत है और वह अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए दरें कम करने पर भी विचार कर रही है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के 68वीं बैच के अधिकारियों को संबोधित करते हुए जेटली ने कहा कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए देश में भी करों की दरें कम करने की जरूरत है। जेटली ने कहा कि समय आ गया है कि कर की दरें कम हो, जिससे सेवाओं को अधिक से अधिक वैश्विक प्रतिस्पर्धी बनाकर आय को बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि आगे चलकर सेवाओं में यही महत्वपूर्ण बदलाव नजर आएगा। जेटली ने कहा कि आने वाले समय में देश में ऐसा वातावरण तैयार करना होगा जिससे लोग नियमों का पालन करें और स्वेच्छा से उचित कर अदा करें। आने वाले दशकों में देश एक ऐसा राष्ट्र बनने जा रहा है जहां कर को लेकर लोग स्वयं नियमों का पालन करेंगे। देश में कर को लेकर लोगों की भावनाओं का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि आजादी के बाद से यह धारणा आम थी कि सरकारी राजस्व की अदायगी करना कोई अनैतिक काम नहीं है। इसे कारोबारी सूझबूझ का एक भाग समझा जाता है, किंतु उपेक्षा की वजह से लोगों को गंभीर नतीजे भी भुगतने पड़े। उन्होंने कहा कि वाजिब कर की अदायगी देश के लोगों का दायित्व है और कर नहीं चुकाने के गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। गौरतलब है कि नोटबंदी के बाद ऐसी चर्चा जोरों पर है कि सरकार आगामी वित्त वर्ष के बजट में कर की दरों में कमी कर सकती है, जिससे लोग स्वेच्छा से कर की अदायगी के लिए स्वयं आगे आए। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। अगस्ता वेस्टलैंड रिश्वतखोरी मामले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को सशर्त जमानत। नितिन गडकरी ने कहा सागरमाला परियोजना में होगा 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश। भारत ने परमाणु अस्त्र ले जाने की क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया। मायावती ने कहा राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए भाजपा अयोध्या को भी भुनाने में नहीं रहेगी पीछे। मुंबई के पनवेल में 35 लाख रुपए के नोट बरामद, 6 लोग गिरफ्तार। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।